का उत्तर प्रदेश, इसकी तस्वीर हम देख रहे हैं। हमारे कुछ लोग कहते थे देश बदल रहा है क्या, प्रदेश बदल रहा है क्या। मित्रों, देश तो बदल रहा है, अब तो देश के बारे में दुनिया कहने लगी है कि अगर हमको दृष्टि और दिशा मिलेगी तो दृष्टि और दृष्टि देने में भारत अग्र भूमिका अदा करेगा और मोदी जी इस बात का नेतृत्व करेंगे, ये बात हम जानते हैं। आज हम आए योगी जी के साथ तो 4 लेन सड़क, मैंने कहा मोदी जी ये तो सिंगल लेन होती थी, बोले गए वो जमाने, अब 4 लेन 6 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, एक के बाद एक विकास की नई गाथा, नई कहानियां। आने वाले समय में काशी में भी, वहां पर काशी कॉरिडोर का भी, उसका भी श्री गणेश होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक से एक विकास की योजनाएं बन रही है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो यही उत्तर प्रदेश था, सूर्यास्त और सूर्यास्त के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी वही का वही ठहर जाता था। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, कभी किसी का राज आया, कभी किसी राज का राज आया, कभी किसी जाति और वर्ग विशेष के लोगों ने अपने तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, कभी किसी राज्य में किसी वर्ग विशेष ने अपने तरीके से राज्य को लेने का प्रयास किया। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अब यहां पर जो दंड लगाते थे वो दरिंदे अब कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि मुझे जेल के अंदर डाल दो या मुझे प्रदेश छोड़ने के लिए इजाजत दे दो ताकि हम यहां से छुट्टी पाए। ये परिवर्तन योगी जी लेकर के आए हैं, लेकिन योगी जी को यहां तक पहुंचाने के लिए आप सब लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी उंगली से कमल के निशान को बटन दबाकर यह फैसला लिया है, इस बात को समझना चाहिए।